हमारी इंडियन फैमिली मसाले के बिना नहीं रह सकती। यहाँ खाना मसालेदार, बातें मसालेदार, अचार मसालेदार, समाचार भी मसालेदार, ड्रामा तक मसालेदार और फिल्में भी मसालेदार। मतलब हमारी इंडियन फैमिली अगर है तो वो पूरी तरह से मसालेदार। तो ऐसे में क्या आपने कभी सोचा है इन मसालों की भी तो कोई फैमिली होगी ना। आज हम पढ़ेंगे ब्लैक क्यूमिन की फैमिली के बारे में, यानी कलौंजी या मंगरेल की फैमिली। फैमिली रैनन कुलेशी। इसे ऑर्डर रेनेल्स के अंतर्गत रखा गया है और इसका जो मेन प्लांट है वह है रैनन कुलस। रैनन कुलस को बटर कप भी कहा जाता है, कॉमन नेम है इसका, इसलिए इसकी फैमिली को हम बटर कप फैमिली भी कहते हैं। तो बेंथम और हुकर ने इसे सिंपलेस्ट फैमिली कहा था, ओके, और हकिंसन ने इसे मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली कहा। दोनों आपको याद रखना होगा कि मोस्ट प्रिमिटिव फैमिली किसे कहा गया है या बेंथम और हुकर के अनुसार सिंपलेस्ट फैमिली कौन सी है, तो कौन सी हो गई, रैनन कुलेशी। ओके, अब बात करें यह पाया कहाँ पर जाता है, तो यह मीजोफाइट प्लांट्स हैं और यह मोस्टली पाए जाते हैं ऊंचाई वाले जगहों पर, यानी नॉर्थ टेम्परेचर जोन में के एरिया में ये पाए जाते हैं। ओके, अब इसमें कितनी जेनरा और स्पीसीज हो सकते हैं, तो देखो 50 इसकी जेनरा हैं और 1900 स्पीसीज हैं, ठीक है, लेकिन भारत में पाए जाते हैं 20 जेनरा और 150 स्पीसीज। ये पौधे एनुअल या फिर पर एनियल हर्ब है, मतलब कैसा है, साकी पौधा है। और साकी पौधों के बारे में हमें क्या पता है कि यह क्या होते हैं, एक साल के अंदर खत्म हो जाते हैं। और दूसरी क्या खास बात होती है साकी पौधों की, इन बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, ठीक है, और इनमें काष्ठीय तना नहीं पाया जाता है, ठीक है। अब इसके साथ ही ये डाइकॉट है। अब बात करें इसकी रूट की, इसकी रूट जो होती है वो एडवेंटेटियस रूट होती है, ठीक है, झकड़ा जड़ होती है। स्टेम में अगर हम बात करें तो हम किसकी बात करते हैं, वैस्कुलर बंडल की। तो देखो जो इसकी स्टेम होती है उसमें वैस्कुलर बंडल मोनोकॉट के जैसा होता है। पौधा ये कौन सा है, डाइकॉट का, लेकिन वैस्कुलर बंडल कैसा होता है, मोनोकॉट के जैसा। अब वैस्कुलर बंडल डाइकॉट का है या मोनोकॉट का है कैसे पता करेंगे, तो डाइकॉट का जो वैस्कुलर बंडल होता है वो सर्कुलर अरेंज्ड होता है, ठीक है, बहुत ही अच्छे सही तरीके से अरेंज होता है। लेकिन मोनोकॉट का जो होता है वह इररेगुलर अरेंजमेंट होती है, उसमें वैस्कुलर बंडल की अरेंजमेंट कैसी होती है, इररेगुलर होती है। तो यहाँ पर भी ऐसा होता है कि इसके जो जाइलम और फ्लोएम है वो बिखरे हुए होते हैं वैस्कुलर बंडल में, ओके। अब इतने बिखरे हैं कि जो एक्स इसका जो जाइलम है ना वो ऐसा लगता है कि वाई शेप्ड में है, कैसा है, वाई का आकार बनाए हुए है। तो यह इसकी तने की सबसे खास बात होती है। अगर लीफ की बात करें तो ये सीथिंग बेस होता है इसमें और अल्टरनेट लीफ होती है, मतलब एक लीफ फिर तना आगे बढ़ा और फिर उसमें निकली दूसरी लीफ, फिर थोड़ा आगे बढ़ा फिर निकली तीसरी लीफ, ठीक है। तो एक ऐसी होती है अल्टरनेट होती है, एक साथ दो लीफ नहीं पाई जाएगी। उसके बाद साथ में सीथिंग बेस होता है, मतलब जहां तने से जुड़ी होती है लीफ वो फैली हुई होती है, ठीक है, कैसी होती है, फैली होती है। की अगर बात करें पुष्प विन्यास की, बहुत ही ज्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, जैसे कि कुछ ऐसे इस फैमिली के कुछ ऐसे पौधे हैं जो साइमोज टाइप होते हैं। साइमोज का मतलब क्या हुआ कि डेफिनेट होती है, मतलब अब उसके बाद पौधे का विकास नहीं होगा, उसके बाद तने का विकास नहीं होगा, तने के मुख्य अक्ष पर फूल पाए जाएंगे, तो वहां उसे क्या कहेंगे, साइमोज टाइप। और जब जहां पत्तियां होती हैं वहां के कॉर्नर से निकल जाए कोई और तना, पुष्पक्रम वहां से निकले, तो उसे कहेंगे रेसिमोज टाइप। तो इसमें साइमोज टाइप और रेसिमोज टाइप दोनों ही तरह का इन्फ्लोरेसेंस पाया जाता है, ठीक है। मतलब अब बात करें फ्लावर्स की, फ्लावर्स कैसे होते हैं, तो इसके फ्लावर्स जो होते हैं वो ब्रैक्टिएट होते हैं। ब्रैक्टिएट फ्लावर का क्या मतलब होता है, फूल के जस्ट नीचे छोटी छोटी पत्तियां पाई जाती हैं, इन्हें हम ब्रैक्टिएट ब्रैक्ट कहते हैं। तो ये पौधे कैसे हो गए, ब्रैक्टिएट हो गए। बाइसेक्चुअल होते हैं और एक्टिनोमार्फिक होते हैं। बाइसेक्चुअल का मतलब क्या हो गया, किसने मेल और फीमेल, मतलब कि एंड्रोएशियम और गाइनोएशियम दोनों ही पाए जाते हैं, ठीक है। एक्टिनोमार्फिक होते हैं, यानी अगर किसी भी वर्टिकल प्लेन से इनको कट किया जाए तो वह दो बराबर भागों में, इक्वल हेल्प्स में कट हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद
अगर हम बात करें इसके एक्सेप्शंस की, तो अपवाद के रूप में होता है डेल्फिनियम और एकोनाइटम। उसे हम सिर्फ एक ही बार दो बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं उसके फूल को। ठीक है, अब बात करते हैं फूल के मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर की। तो फूल का जो मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वह ये है कि इसके जो फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, ठीक है, वे बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे कि जो इसके स्टेमेंस होते हैं वे बहुत ज़्यादा होते हैं, और साथ में ये कैसे होते हैं, स्पायरोसाइक्लिक होते हैं। स्पायरोसाइक्लिक मतलब एक घेरा बना के रहते हैं। अरेंजमेंट इनका कैसा होता है, थैलमस के ऊपर एक घेरे में होता है, मतलब बहुत ज़्यादा संख्या में होते हैं और एक घेरा बना के होते हैं। थैलमस इनका डेवलप्ड होता है, ठीक है, काफ़ी डेवलप होता है। अब हम फ्लावर के एक एक पार्ट की बात करेंगे। तो सबसे पहले नीचे क्या होता है, थैलमस होता है। तो वह क्या होता है, थैलमस बहुत ज़्यादा डेवलप होता है, फुली डेवलप होता है, आप आसानी से उसे देख सकते हो। उसके बाद आता है पेरियंथ। पेरियंथ का मतलब क्या हो गया, कैलिक्स और करोला दोनों को मिला के हम पेरियंथ कहते हैं। तो जब कैलिक्स और करोला, कभी कभी ऐसा होता है कि एक दूसरे से अलग होते हैं, कई बार ऐसा होता है कि कोई एक ही पार्ट पेरियंथ में दिखाई देता है, मतलब या तो सेप्लॉयड होगा या फिर पेटेलॉयड होगा। सेप्लॉयड हुआ तो मतलब क्या है कि उसमें कैलिक्स का पार्ट दिखाई दे रहा है, कैलिक्स दिख रहा है। और पेटेलॉयड हुआ तो क्या मतलब हुआ कि उसमें हमें सिर्फ और सिर्फ कोरोला का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो इस तरह से सेप्लॉयड भी हो सकता है या पेटेलॉयड भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि कैलिक्स और कोरोला दोनों दिखाई दे। अब ये सब के सब एक दूसरे से फ्री होते हैं, मतलब फ्यूज नहीं होते हैं। कैलिक्स जितने भी सेपल और पेटल होते हैं एक दूसरे से फ्री होते हैं। ठीक है, अब जैसे एग्जाम्पल की बात कर रहे हैं, तो जो कालथा प्लांट है वह पेटेलॉयड होता है, मतलब उसमें हमें पेटल दिखाई देता है, सेपल नहीं दिखाई देता। ठीक है, और इसी तरह से हम डेल्फिनियम की बात करें तो सेपलॉयड होता है, मतलब कि क्या है, उसमें हमें कैलिक्स दिखाई देता है, कोरोला नहीं दिखाई देता। ठीक है, अब अगर बात करें संख्या कितनी होगी सेपल और पेटल्स, मतलब कैलिक्स और कोरोला की, तो 5 सेपल्स पाए जाते हैं और 5 पेटल पाए जाते हैं। इसमें पराग पाया जाता है, और कहाँ पर पाया जा रहा है, कोरोला और एंड्रोएसियम के बीच में पाया जाता है। ठीक है, या अगर कोरोला नहीं दिख रहा है हमें तो हम ये कह सकते हैं पेरियंथ और स्टेमेंस के बीच में नेक्टोरीज पाई जाती है। नेक्टोरीज यानी क्या हो गया, पराग। इसके बाद अब आते हैं हम एंड्रोएसियम पर। तो एंड्रोएसियम में जो स्टेमेंस होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा होते हैं, न्यूमरस होते हैं और फ्री होते हैं, स्पायरली अरेंज होते हैं रिसेप्टिकल पे। ठीक है, जो एंथर होता है वो डाइथिकस होता है और एक्सट्रॉर्च होता है। गाइनोएसियम की बात करें तो पॉलीकैपेलरी होती है। गाइनोएसियम कैसी होती है, पॉलीकैपेलरी होती है, मतलब एक से अधिक होती हैं, ये भी बहुत ज़्यादा होती हैं, मतलब ये भी बीच में स्पाइरल फॉर्म में होती हैं। चारों तरफ बाहर क्या होते हैं, एंड्रोएसियम, और बीच में गाइनोमेरिसियम। पॉलीकैपेलरी है तो बीच में ये चारों तरफ बिखरे हुए होते हैं, मतलब स्पाइरली सेप्ट होते हैं। ठीक है, ये भी एक दूसरे से फ्री होती है, यानी एपोकार्पस होती है। फ्री जो होगा तो उसे क्या कहेंगे, एपोकार्पस कहेंगे, और स्पाइरली अरेंज तो होती ही हैं। ओवरी इनकी सुपेरियर होती है, यह ध्यान रखने वाली बात है। अब मैं जो फ्लावर्स के बारे में बता रही हूँ आपको याद है ना, इसकी ओवरी कैसी होती है, सुपेरियर होती है। सबसे पहले मैंने क्या कहा था, ये ब्रैक्टिएट होते हैं, मतलब फूल के नीचे पत्ती पाई जाती है। पत्तियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, फूल के जस्ट नीचे पाई जाती हैं पत्तियाँ भी, तो क्या हो गया, ब्रैक्टिएट हो गया। ठीक है, इसके बाद ये कैसा हो गया, बाइसेक्चुअल है, ये भी हमने आपको बता दिया। इसके बाद कई बार होता है ब्रैक्ट पाया जाता है, मतलब बड़ी बड़ी पत्तियाँ होती हैं, कई बार ऐसा होता है पत्तियाँ छोटी छोटी भी होती हैं, तो ब्रैक्टिएट भी होता है और ब्रैक्टियोल भी होता है, दोनों फॉर्म पाए जाते हैं इसमें। उसके बाद हमने क्या कहा था कि इसमें बाइसेक्चुअल है, और साथ में क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक होता है। इतनी चीज़ें याद है ना आपको, एक्टिनोमार्फिक होता है। और इसके बाद कैलिक्स भी 5 होते हैं और कोरोला भी 5, मतलब पेटल्स, सेपल्स और पेटल्स, ये 5-5 होते हैं। ठीक है, इसके बाद एंड्रोएसियम के बारे में हमने क्या बताया कि बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है और स्पाइरल फॉर्म में होता है। इसी तरह गाइनोएसियम के बारे में हमने क्या बताया कि ये भी बहुत ही ज़्यादा होता है, न्यूमेरस होता है, लेकिन फ्री होता है एक दूसरे से, सबके सब एक दूसरे से फ्री हैं। इसके साथ और हमने क्या कहा कि अब ये क्या कहें, ओवरी कैसी होती है, ओवरी सुपेरियर होती है। ठीक है, ओवरी कैसी होती है, सुपेरियर होती है। और स्टाइल, कभी कभी ऐसा होता है कि इसकी स्टाइल छोटी होती है,
और कभी कभी ऐसा होता है कि स्टाइल बड़ी होती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फ्रूट की। तो जो जनरली इसके जो फ्रूट होते हैं वो एग्रीगेट होते हैं। ठीक है, मतलब इसमें एक एक सीड का ग्रुप बना होता है, तो या तो एक्नीज हो सकते हैं या फिर फॉलिकल हो सकते हैं। बहुत सारे सीड का ग्रुप पाया जाएगा, मतलब बहुत सारे सीड एक साथ पाए जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग इसके सीड पाए जाते हैं, तो ये क्या हो गया, जनरली एग्रीगेट होता है। अब इतने के आधार पर आप फ्लोरल फार्मूला तो बना सकते हो ना। सबसे पहले क्या है, ब्रैक्टिएट है या नहीं ये देखते हैं। तो ब्रैक्टिएट ए है तो बी आर। उसके बाद क्या, ब्रैक्टियोल भी पाए जाते हैं, मतलब छोटी छोटी पत्तियां भी पाई जाती हैं। तो ये क्या हो गया, बी आर एल। उसके बाद क्या हो गया, एक्टिनोमार्फिक होता है, तो एक्टिनोमार्फिक कलर साइन। उसके बाद क्या होता है, एक्टिनोमार्फिक के बाद हमने क्या बताया था इसका, कि इसमें बाइसेक्चुअल होता है, मतलब कि एंड्रोएशियम गाइनोएशियम दोनों एक साथ पाए जाते हैं, तो उसका हम साइन। उसके बाद कैलिक्स 5, कोरोला 5। उसके बाद एंड्रोएशियम कैसे, न्यूमेरस मतलब बहुत ज़्यादा है स्टेमेन, गाइनोएशियम बहुत ज़्यादा है, और इसके साथ ही गाइनोएशियम में ओवरी कैसी है, सुपीरियर है। बन गया पूरा फ्लोरल फार्मूला। अब आते हैं फ्लोरल डाइग्राम पे, इसी के आधार पे फ्लोरल डाइग्राम बनाना है हमें। तो सबसे ऊपर जो निशान बनता है वह निशान किसका बनता है, कि या एक्टिनोमार्फिक है या जाइगोमार्फिक है। तो ये क्या है, एक्टिनोमार्फिक है, तो सबसे ऊपर हम एक्टिनोमार्फिक का निशान बनाएंगे। उसके बाद हम नीचे बनाएंगे इसके बारे में, इसके फ्लावर के बारे में। तो सबसे बाहर हम जो बनाते हैं कैलिक्स और कैलिक्स के बारे में, तो देखो इसका जो कैलिक्स और कोरोला होता है दोनों इम्ब्रिकेट होते हैं। इम्ब्रिकेट का मतलब होता है कि एक पेटल या सेपल पूरी तरह से दोनों तरफ से घिरा हुआ होगा बाकी पेटल से। ठीक है, एक पेटल या सेपल दोनों तरफ से पेटल या सेपल से घिरा हुआ होगा। ठीक है, और एक पेटल या सेपल बाहर की तरफ पूरी तरह निकला होगा। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ इमेज में, पूरी तरह से बाहर निकला होगा और बाकी सब एकांतर क्रम में होंगे, एक अंदर एक बाहर, एक अंदर एक बाहर। ठीक है, तो इसे कहते हैं इम्ब्रिकेट। ओके, एक कंप्लीट अंदर होगा, एक कंप्लीटली आउटर फॉर्म में होगा। इसके बाद पेटल बन गया, ठीक है, ऐसे ही सेपल ही हमने बना लिया, सेपल और पेटल बन गया। अब इसके बाद आते हैं एंड्रोएशियम की बारी। तो हमने कहा था स्टेमेन सबके सब एक दूसरे से अलग होते हैं, मतलब फ्री फॉर्म में होंगे, बहुत ज्यादा होंगे, और साथ में क्या होगा, ए स्पाइरल सेप्ड अरेंजमेंट होगा। तो स्पाइरल से अरेंजमेंट बनाया। इसके बाद हमने गाइनोएशियम के बारे में क्या कहा था, कि गाइनोएशियम कैसा होगा, यहाँ पर वो भी उसकी संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है और बीच में है और सबके सब स्पाइरली अरेंजमेंट है इसकी भी, तो वो भी बन गया। ओके, इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो गया। ओके, अब आपको कभी भूल सकता है क्या, अगर आप चीज़ों को शुरुआत से अंत की तरफ ले जाएं तो आप इजली इन्हें याद कर। काफ़ी इसके पौधे होते हैं जिनको हम सजावट के तौर पर यूज करते हैं, कुछ इसके और भी पौधे होते हैं जो कि दवाओं के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनमें पाई जाती है एकोनिटिन एल्कोनॉइड पाया जाता है, इसलिए इनको दवाओं के तौर पर हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि एकोनिटम, इनको हम मॉन्क्स हुड कहते हैं, इसका यूज हम करते हैं ज्वर में, पीड़ा नाशक के रूप में, कभी ब्लड प्रेशर के लिए भी इनका हम यूज करते हैं, ब्लड प्रेशर की दवा के रूप में। होम्योपैथी की बहुत अच्छी दवा है यह। इसके बाद एनिमान पल्सेटाइला की बात करें तो इसका यूज किया जाता है, इसे विंड फ्लावर कहते हैं और अबार्सन के लिए इसका यूज किया जाता है। निगेला सेटाइवा यानी कि कलौंजी यानी ब्लैक क्यूमिन, इसे कॉन्डिमेंट के तौर पर, साथ ही साथ दवाओं के तौर पर, और अब तो ब्यूटी के लिए भी इसका यूज करते हैं, बालों को काला लंबा चमकदार बनाने के लिए। इसके साथ ही रेननकुलस या बटर बटर कप की बात करें तो इस ऑर्नामेंटल प्लांट के तौर पे यूज किया जाता है, और साथ ही रेननकुलस फिकेरिया की बात करें तो इसे पाइल्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज किया जाता है। तो इस तरह से आज का हमारी क्लास ये कंप्लीट हुई, और आप मुझे ज़रूर बताइए कमेंट करके कैसी लगी वीडियो, और पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब।